ठीक है, ओके, 1 2 3 गो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, माशाल्लाह धूप निकली भी है यहाँ पे, मगर धूप से धोखा ना खाएं, अभी -10 के करीब है, पूरी सर्दी है यहाँ पर। तो अच्छा मौसम था इसलिए सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, बताते हैं आपको कैसे ओशवा के अंदर आप पार्ट टाइम जॉब जल्दी फाइंड कर सकते हो, एकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो। जो मेरी पार्ट टाइम जॉब करीब 2 हफ्ते के अंदर मिल गई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसे कैसे मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करा, क्या क्या प्रोसेस है और कौन से प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कौन से कम इफ़ेक्टिव हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में, इसको शुरू करते हैं। सो जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं एकोमोडेशन का, वो यहाँ आते हैं और एयरबीएनबी बुक करते हैं पहले हफ्ते में। जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह और नेट पे भी R&D करी, तो फेसबुक वगैरह और मार्केट प्लेस पर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल थे, मगर जो मेन एक कंसर्न आता है वो है ट्रस्ट, क्योंकि आपने एक फ़ोटो में देखी चीज़ और एक रियल में चीज़, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत अभी दोस्तों से मेरी बात हुई जो इंडिया से बुक कर आए, एक दोस्त का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। उसने इंस्टाग्राम से देख के एक प्रॉपर्टी बुक करी थी, उसने अपने किसी रिलेटिव को भी यहाँ भेजा, तो जिस बंदे ने प्रॉपर्टी दिखाई वो इंडियन ही था, तो उसने जब प्रॉपर्टी दिखाई थी तो घर बहुत साफ था और उस टाइम जो रूममेट्स वगैरह जो थे और लोग वो भी नहीं थे वहाँ, तो उसने सिर्फ घर दिखाया, प्रॉपर्टी दिखाई और डील डन हो गई। मगर जब वो यहाँ के रहना शुरू हुआ तो घर बहुत ही गंदा था और जो रूममेट्स थे वो सही नहीं थे, मतलब अब्यूसिव थे और ड्रिंक करते थे, तो बहुत गंदगी, उसका जो फीडबैक था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और वो आके यही कह रहा था कि अब जल्द से जल्द मुझे, क्योंकि उसने एडवांस पे कर दिया था तो 1 महीना तो उसे गुजारना ही था, मगर जल्द से जल्द उसको रूम खाली करना था। तो ये होता है अगर आप एक एडवांस पेमेंट कर देते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप यहाँ आओ, एयरबीएनबी बुक करो 1 हफ्ते का 5 दिन का, और फिर अच्छे से तसल्ली से घर देखो और फिर उसे कन्फर्म करो। हम जब यहाँ आए, हमने इंस्टाग्राम पे बहुत सर्च करे, बहुत घर देखे, कुछ न्यूली बिल्ड भी थे, कुछ पुराने थे, मगर हम फिर फाइनली हमने जो डील कंफर्म करी वो एक बड़ा बेसमेंट था, वो हम 2 लोग ऑलरेडी इंडिया के रह रहे थे और एक पाकिस्तान के थे, तो उनके साथ हमने फिर वो शेयरिंग दी, क्योंकि हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी। हमें अराउंड $300 में ये डील मिली, जबकि जो नॉर्मल ओशवा का रेंट है वो अराउंड 400 प्लस यूटिलिटीज़ चलता है नॉर्मली, तो हमें बहुत ही अच्छी डील मिली और हमने बिना कोई मौका गवाए उसे कंफर्म करा। फिर दूसरा स्टेप जो आता है वो जब आपका घर कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आती है पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब सर्च करने के 3-4 तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला तरीका, अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढना चाह रहे हो जो कि आपकी लाइन की है, उसी के आपको पार्ट टाइम भी यहाँ सर्च करनी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मगर बहुत से लोग चाहते हैं कि उसी फील्ड में वो पार्ट टाइम करें, तो उसके लिए होता है लिंक्डइन। आप उस पर सर्च करें, उस पर कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, और अगर आप लकी हैं तो आपको अपनी फील्ड में वो जॉब मिल जाएगी, जो कि मैंने नहीं करा। अब दूसरी चीज़ आती है इंडीड। इंडीड भी यहाँ बहुत पॉपुलर है जॉब सर्च करने के लिए। यहाँ जो भी बड़ी चेन है, जैसे कि वॉलमार्ट है, कॉस्को है, नो फ्रिल्स है, ये सब अपने इंडीड पर वैकेंसीज निकालते रहते हैं। कैशियर हो गए, स्टोर मैनेज करने वाली सेक्शन हो गए, वेयर हाउस हो गए, इन सब की जो जॉब्स हैं वो उस पर निकलती रहती हैं और आप जाके उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये जो बड़ी चेन है ये सारी ऑनलाइन ही हायरिंग करती हैं, तो अगर आपका टारगेट इन फील्ड में जाने का है तो आपको ऑनलाइन इसी पर अप्लाई करना होगा। इंडीड के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने करीब 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन नहीं, मतलब डेली 10 जॉब 20 जॉब के हिसाब से 100 जॉब अप्लाई करी, जिनमें हर नेक्स्ट डे जब भी उठो तो मेल आती है वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे 2 दोस्तों के साथ भी हुआ, तो इंडीड इतना मुझे अच्छा नहीं लगा जॉब सर्च के हिसाब से। जो
थर्ड स्टेप है जो कि सबसे इफेक्टिव है और ज़्यादातर लोग आपको रिकमेंड भी करेंगे, वो है आप फिज़िकली रिज्यूमे लेके जाइए और जगह जगह रेस्टोरेंट जो खुले हुए हैं, स्टोर्स हैं, उनमें जाके आप सबमिट करिए। मेरी जो जॉब लगी है वो फिज़िकल रिज्यूमे सबमिट करने से ही लगी है। मैंने और मेरे दोस्त ने इनिशियली स्टेपल्स जाके, जो जिसमें हमने $5 के करीब 27-28 रिज्यूमे प्रिंट कराए थे, और फिर हम निकल गए जगह जगह, जहाँ भी हमें स्टोर्स दिखे, बड़ी आउटलेट्स दिखी, प्लाजा दिखे, हम बस से वहाँ उतरे और रिज्यूमे हमने सबमिट करे। इनिशियली हमारे पास बस पास भी नहीं था, तो एक दिन का $4, एक बार दो घंटे का $4 का टिकट होता है बस का, वो भी हमने स्पेंड करे। तो उस चीज़ से नहीं डरना है, इनिशियली आप सब चीज़ें सबमिट कर दो, सब जगह सबमिट करो रिज्यूमे, और फिर आपको कॉल्स इमीडिएट भी नहीं आती। हमारी जो कॉल आई, हमने पहले हफ्ते में रिज्यूमे दिया था और दूसरे हफ्ते में उन्होंने जब शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे तो हमें कॉल आई, यहाँ एक ब्रांड है फास्ट फूड की, उससे हमें कॉल आई, मेरे और मेरे फ्रेंड दोनों को आ गई थी। तो हम एज अ कुक वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं पार्ट टाइम। एक जो और आपका काम आएगा जो कि हर कोई रिकमेंड करेगा, वो है नेटवर्किंग। अगर आप यहाँ नेटवर्किंग करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो वही आपको रेफ़र कर देंगे, और यहाँ रेफरेंस का बहुत ही अच्छा पार्ट टाइम के अंदर भी स्कोप है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो नए बंदे से ज़्यादा किसी के रेफ़र करा हुआ बंदा, ट्रस्टेड बंदा रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके रेफरेंस, अगर आप सोर्सेज बना लेते हो, कॉन्टैक्ट्स बना लेते हो और वो आपको रेफ़र कर देते हैं, तो आपकी बहुत ईजीली जॉब लग जाएगी। हमारे जो रूममेट्स थे वो ऑलरेडी यहाँ सेकंड कोर्स कर रहे थे, उनके एक साल के रेफरेंस थे, तो उन्होंने भी हमें रेफ़र करा और वहाँ से भी हमें कॉल्स आ गई थी। मगर मेन जो इशू हुआ, हमने हमारे पास लकीली बहुत जगह से कॉल्स आई। बहुत से लोग कहते हैं कि ओशवा में पार्ट टाइम की कमी है, जॉब्स नहीं लगती, मगर हमें लकीली मेरे पास 5-6 जगह से कॉल्स आई पार्ट टाइम की, मगर हमने उन्हें मना करा, क्योंकि वो सारी जो जॉब्स थी वो फूड इंडस्ट्री से थी और यहाँ पोर्क बहुत कॉमन है, हर रेस्टोरेंट में आपको पोर्क मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा आउटलेट हो, चाहे वो कैफ़े हो और कोई भी हो, या बार में तो फिर अल्कोहल ही आ जाता है, जो कि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेरे हिसाब, मेरा जो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो पोर्क और अल्कोहल मना है, तो हराम है, तो इसलिए हमने उन ऑप्शंस को मना करा। और जो अब हमारी जहाँ जॉब लगी है वो फूड चेन के ओनर मुस्लिम हैं, तो उन्होंने हलाल अपना सिर्फ रख रखा है सारी आउटलेट्स पे, तो लकीली हमें वो जॉब मिली और हम अब वहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया काम एकदम। और फूड जॉइंट में काम करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको फूड वगैरह मिल जाता है एक टाइम का, जैसे कि हमारे जो ओनर हैं उन्होंने हर स्टाफ के लिए एक मील फ्री कर रखा है। अब उसमें आप चाहे ड्रिंक्स में भी कुछ भी ले लो, खाने में कुछ ले लो, ड्रिंक्स से मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, तो ड्रिंक्स में भी आप कुछ भी ले लो तो वो सब फ्री है, तो बहुत ही बढ़िया डील है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप आओ, तो सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है जॉब सर्च करने का वो है फिज़िकली स्टोर्स विज़िट करो और रिज्यूमे सबमिट करो और वेट करो, डेफिनेटली कॉल्स आएंगी। क्योंकि उससे क्या होता है, आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन हज़ारों लोग उस पर, सौ लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत रिज्यूमे जमा हो जाते हैं। फिज़िकली आप जाते हो, आप एक फ़िज़िकली सुपरवाइज़र से मिल सकते हो वहाँ पे, उनको वो आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, और क्या पता आप उससे इम्प्रेस करके उनको, बहुत से लोगों को वो नेक्स्ट डे थर्ड डे ही ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप फिज़िकली जाओ, रिज्यूमे प्रिंट करो और सर्च करो। और एकोमोडेशन के लिए भी यही राय है कि इनिशियली आप आओ, एयरबीएनबी बुक करो और फिर घर देखो तसल्ली से, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लो, क्योंकि आप अगर एडवांस रेंट पे कर दोगे एक महीने का, फिर आप फंस गए उस पर एक महीने, या फिर आपका कोई ट्रस्टेड सोर्स हो जो आपको एक पता हो कि यहाँ आप आ रहे हो, ये देखी भाली जगह है, तो फिर आप उसको जाके कंफर्म करो। तो बस फ़िलहाल के लिए अभी यही इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनाएंगे कनाडा प्रोसेस के ऊपर, कैसे एक एज अ स्टूडेंट आप, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब आपको बताएंगे, तो फॉलो करिए।
सब्सक्राइब करिए, जो कि एक टैगलाइन है हर यूट्यूबर की, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं इतनी ठंड में वीडियोस बनाने की, तो फॉलो करिए बस। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।